प्रतिरोध मार्च करेंगे पूरे बिहार में। प्रतिरोध मार्च करने का तो उनको कोई हक ही नहीं है, इसलिए कि आप उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। तो कोई भी घटना घटती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता से बिहार की कार्रवाई करती है, यह एक बड़ा विषय है। और उस समय जिस समय 15 वर्षों का जो लालू जी का और लालू जी की पार्टी RJD का जो जंगल राज का शासन था, उस समय देखते थे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और किस प्रकार से घिनौने अपराध किए जाते थे। उस समय के अगर बहुत सारी घटनाओं को आप याद करेंगे तो आज भी मन कांप उठता है। तो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई करती है। भाजपा कार्य समिति की बैठक उसमें निर्णय लिया गया कि इस बार विधानसभा चुनाव 200 के पार। हाँ बिल्कुल, 400 के पार कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, 2025 में RJD और जो INDY गठबंधन है उसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धूल चटा देंगे। INDY 200 पार करेगी। इस बार भी 174 सीट लोकसभा 2024 के चुनाव में INDY जीती है और 2025 में 200 पार करेंगे।